गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेसन 23 व्याकरण में चित्र वर्णन। चित्र वर्णन में क्या है बेटा कि आप चित्र देखकर किसी दृश्य का वर्णन करिए। जैसे चित्र देखकर उसमें वर्णित सूक्ष्म से सूक्ष्म अंशों का अवलोकन कर अपनी भाषा में उनकी अभिव्यक्ति करने की कला को चित्र वर्णन कहते हैं। जैसे देखिए, चित्र दिया हुआ है ये, अब इसका वर्णन आप कैसे करेंगे? देखिए नीचे लिखा भी है कि इस चित्र का वर्णन आप कैसे करेंगे। देखिए, यह सुबह का दृश्य है। सुबह के समय पहाड़ियों के बीच से सूरज उग रहा है। उगता हुआ सूरज बहुत सुंदर लग रहा है। घर के साथ में पेड़ पौधे हैं। रंग बिरंगे फूल खिले हुए। माता जी कुएं में से पानी भर रही हैं। दादाजी मुर्गियों को दाना डाल रहे हैं। मुर्गियों के साथ दाना चुगने के लिए चिड़ियाँ भी आ रही हैं। कुछ चिड़ियाँ पेड़ पर बैठी हैं। लड़की रस्सी कूद रही है। लड़का व्यायाम कर रहा है। दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरह चित्र में जितना कुछ है सबका वर्णन किया गया है। अब देखिए दूसरा है वर्णन। देखिए दूसरा वर्णन है, चित्र देख कर इसका भी वर्णन करना है। इसका मैंने भर दिया है, आप देखिए। इसी तरह आपको भी अगर चित्र कहीं दिया हुआ है वर्णन करना है तो आपको भरना पड़ेगा इस तरह, ठीक है। आज दीपावली का त्यौहार है। माता जी रंगोली बना रही हैं। माता रंगोली बना रही हैं। बच्चे फुलझड़ी से खेल रहे हैं। मोहन सोहन को गिफ्ट देता है। मोहन का घर साफ सुथरा सुंदर लग रहा है। मीना दीपावली का त्यौहार पटाखों से मना रही है। वह बहुत खुश है। दीवारों पर भी दीपक जगमगा रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपको चित्रलेखन में चित्र देखकर उसके बारे में लिखना है, ठीक है। थैंक यू क्लास।